हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और अभी सुबह के हो रहे हैं 8, तो मुझे ना आलू का पराठा बनाना है। और इसलिए बनाना है क्योंकि आलू रात में ही मैंने बॉईल करके रख लिया था और सुबह में मैं बना दे रही, क्योंकि आज रीत को दो जगह जाना है। एक तो ब्लड टेस्ट करवाते हुए जाएंगे, तो शायद मैं भी जाऊंगी। तो मैंने ये फटाफट से, यही सबसे आसान लगा कि ये जल्दी से बन जाएगा। तो ये मैं बहुत ज़्यादा तरीके, मतलब वो क्या कहते हैं, बहुत स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, बस हल्का सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैंने धनिया पत्ती और क्या कहते हैं हरी मिर्च और लाल मिर्च का मैं प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक होता है लाल मिर्च, आई होप आपको पता ही होगा। और उसकी जगह और मैंने प्याज लिया है बस, और नमक डाला है, और इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो बस यही है, ये होता है ना कि पराठे, आलू के पराठे वो जल्दी से बन जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं होती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। इसलिए मैंने, मुझे पहले से ही डिसाइड करके रखी थी कि मैं मॉर्निंग में यही बनाऊँगी, इसलिए मैंने रात को ही आलू बॉयल करके रख लिया था। और अभी बाबू सो रहा है तो मैंने सोचा फटाफट काम कर लेती हूँ उसके उठने से पहले ही। और यहाँ पे एक बात और है कि जैसे कि मैं जब यहाँ पे मैं डबल रोटियाँ लेके, मतलब डबल वो छोटी छोटी रोटी बना के मैं इसको ये आलू को स्टफिंग करती हूँ, क्योंकि जो होता है ना मेरे से, अगर मैं अकेले की लोई बना के उसमें ज़्यादा अगर आलू भर देती हूँ, अंदर भर कर के रख देती हूँ ना, तो वो मेरे से फट जाता है। और ऐसे देखिए बहुत फटता भी नहीं और उसमें आलू भी ज़्यादा ऐड रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही अगर उसमें कम रहे ना तो सिर्फ आटा आटा सा लगता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ऐसे डबल करके बनाती हूँ, और देखिए बिल्कुल भी फटी नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है। रीत को अभी चाय, रीत चाय नहीं पीते हैं, तो मैं उनको टोमेटो सॉस और पराठे दे देती हूँ, क्योंकि वो तब से खाते रहेंगे। और फिर मैं बाबू को नहला, जैसे ही बाबू उठेगा मैं नहला के उनको दे दूँगी, तो वो कपड़े भी बदल देंगे और मैं फटाफट, मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं धुलने हैं, बस उसी के कपड़े धुलने हैं। और मैं यहाँ पे देखिए, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैंने यहाँ पे ये किचन को भी साफ़ कर ले रही। तो अभी मैं बाथरूम में आ गई हूँ, और बाबू के मेरे बहुत ज़्यादा ही कपड़े निकल जाते हैं, वो गंदा बहुत ज़्यादा करता है, तो उसी के कपड़े हैं, तो मैं इसे फटाफट धो लेती हूँ। और क्या कहते हैं, और हाँ मैं कपड़ा अपने हाथ से ही धुलती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी मशीन वगैरह नहीं है, मैं हाथ का ही यूज करती हूँ, अभी सब चीज़ मेरे हाथ ही है, तो हाथ का ही यूज करती हूँ। और इसके कपड़े धुलने के बाद मैंने उनको आवाज़ दिया कि बाबू को उठा दो, अभी मैं उसको नहला दूँगी, नहीं तो आपको भी लेट हो जाएगा ऑफिस जाने में, और लैब भी जाने में तो टाइम लगेगा ही, लैब पे भी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर जितनी जल्दी मतलब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट तब मुझे कम मिलेंगे सुबह में, नहीं तो जैसे ही 10-11 बजता है बहुत ज़्यादा उस लैब पे भीड़ हो जाती है। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद निकलती हूँ। और तो यही है, और कुछ चीज़ें भी मुझे लेनी है वहाँ पे जाके, तो इसलिए मैं जा रही हूँ, नहीं तो बाबू अकेले ही दी, अकेले ही जाके करवा सकते थे, मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या है कि मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा इसी टाइम मैं भी वहाँ से जाऊँगी, तो ये मुझे बाइक से ले जाएंगे और फिर मैं वहाँ से ऑटो से करके निकल आऊँगी। और क्योंकि वो सामान जो मुझे लेना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं सोची इन्हीं के साथ मैं निकल जाऊँगी। और बस ये कपड़े मैं बाहर इसलिए नहीं फैला रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, और मौसम में मतलब बारिश हो रही है, कभी रुक जा रही है कभी हो रही है, तो ये कपड़े मैं इसलिए फैला रही हूँ कि यहाँ से मुझे अंदर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर सूख जाएगा, तो ऐसे ही है, यहाँ पर सूख जाएगा।
और यहाँ पे मैं फिर आती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। ये थोड़े से गंदे पड़े थे तो इसको अभी मैं नहीं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत जल्दी है, आपको पता ही है। और मैं इसको कभी हफ्ते में एक बार साफ़ करती हूँ अभी, या मैं कल परसों साफ़ करूँगी। और ये झाड़ू मैं लगा रही, झाड़ू में सुबह से यार मेरा हो जाता है ऐसे 3-4 बार तो हो ही जाता है, क्योंकि बाबू कुछ भी ला के फेंक देता है या कुछ कर देता है। तो ऐसे ही सुबह में अभी मुझे मिला है टाइम झाड़ू लगाने का। मैं सच बता रही, मैं सुबह में जैसे कि रोज़ सुबह में उठती हूँ तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है, लेकिन आज मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। और एक मेरे में सबसे बड़ी कमी ये है ना, कि अगर मैं कभी भी कोई भी जल्दी जल्दी सा काम करती हूँ, या कभी भी मुझे किसी भी चीज़ का काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो मुझे ना हाफिज़ से छूटने लगते हैं, और फिर मुझे ना थोड़ी सी रेस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये देखिए खिड़की है, जाली है ना, तो इसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ी सी हवा ले रही और थोड़ा सा रेस्ट कर ले रही। पहले मैं वॉइस शोर कर रही हूँ, क्योंकि ना जो मैं रिकॉर्डिंग किया था उसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो ये क्या कहते हैं कि रेत जा चुके हैं, और वो ना उनको लेट भी हो रहा था, और ऊपर से ना आज बाबू बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। तो ऐसी हालत में बच्चे को लेके नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला तुम्हें जो लेना है मैं शाम को आ जाऊँगा, फिर चलना ले लेना। तो मैंने सोचा ठीक है आप जाओ। तो फिर ये मैं सिर में इसलिए दुपट्टा बांधी हूँ ना, कि मेरे सिर को मतलब गीले हल्के फुल्के अभी गीले हैं, पूरी तरीके से सूखे नहीं है, इसलिए मैंने इसको बांध रखा है। और मैं नीचे बैठ के खाना बना रही हूँ, और पीछे बाबू सो रहा है, तो इस वजह से। और मैं अभी रीत को फ़ोन किया, अभी मैं इतनी खुश लग रही हूँ, रीत को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला तुम टेंशन क्यों लेती हो, छोटी छोटी कौन सा बहुत बड़ा, जैसे लग रहा है मैं बीमार हो गया हूँ, और क्या कहते हैं ब्लड तो टेस्ट करवाना है। तो मुझे मतलब उनकी बातें सुन के बड़ी हंसी आई, तो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा मुझे, तू टेंशन मत ले। तो बस वही है, अभी उनका फ़ोन ही आया था, उन्हीं से बात कर रही थी, तो उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए मैंने सारा सामान अपना नीचे लेके बैठ गई, उधर से बहुत ज़्यादा ही रोशनी आ रही है, क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो अभी मैं जा रही ना लौकी की सब्जी बनाने दोपहर में, तो बस लौकी की सब्जी बनाऊंगी, और जब हस्बैंड आ जाएंगे उन 2 बजे आ जाएंगे, तो मैं उनके लिए क्या कहते हैं रोटियां सेक दूंगी। चावल मैं नहीं आज बनाऊंगी, ऐसे ही ग्रेवी वाली जो थोड़ी सूखी ग्रेवी वाली होती है ना वो सब्जी बनाऊंगी, ज़्यादा पानी उसमें नहीं ऐड करूंगी, वैसे लौकी खुद पानी छोड़ता है, तो इसलिए उसमें मैं पानी नहीं डालूंगी। और जैसे ही बाबू आ जाते हैं तो फिर मैं रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि अभी जो आलू का पराठा होता है ना वो थोड़ा हैवी होता है, उसे खाने के बाद ना मुझे, मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे उसे खाने के बाद ना मुझे जल्दी भूख वूख नहीं लगती है, सच बताओ तो। वो तो आज रीत का मन था इसलिए मैंने बना दिया। तो ये देखिए मैं अपनी सारी जो सामग्री होती है सब मैं नीचे लेके बैठ गई हूँ, और मैं यहाँ पे रेड, आज क्या कहते हैं मैं लाल मिर्च, जो लाल मिर्च पाउडर होता है ना उसकी जगह मैं कसूरी सॉरी कसूरी कह रही कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना उसका ऐड करूँगी। वैसे वो भी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए तो ऐसा करूँगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ अपनी ये लौकी की सब्ज़ी। और पहले मैंने तेल डाल दिया है, और फिर उसमें मैं ना हल्की सी हींग डाल दूँगी। वो जो हींग की पैकेट मैंने दिखाई है ना वो देसी हींग है, उसे चुटकी भर, मतलब कितना मैं बताऊँ, जैसे माचिस की तीली होती है ना उतनी बड़ा ही हींग डालोगे ना तो पूरा महक सा जाता है, जो ये देसी हींग होती है तो उसे ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा महक सी आती है, और बहुत ही अच्छी हींग मानी जाती है। तो ये रीत के फ्रेंड ने शायद ला के दिया था, वो 4-5 पैकेट ला के दे दिया था, तो वो ऐसे ही पड़ा था, तो मैं उसको यूज कर डाल रही हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा उसमें अच्छी महक आती है। फिर उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया था, और अभी मैं इसमें प्याज और लहसुन और क्या कहते हैं मिर्च छोटे छोटे काट के फिर मैंने उसमें डाल दिया था।
और एक दिमाग में ये टेंशन तो चल ही रही है कि देखो रीत की रिपोर्ट में क्या आने वाला है। हाय गाइस, अभी मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों से बात करने का, तो अभी बज रहा है 3:15 और मैंने सोचा कि मैं सो लेती हूँ क्योंकि बाबू सो रहा था तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन जब टेंशन रहती है ना तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। जैसे कि रीत की रिपोर्ट आ चुकी है तो थोड़ी सी मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ना रिपोर्ट में कुछ अच्छा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। ये देखिए, ये बाबू ने ऐसे कुछ कर दिया है। यहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा है, ये देखिए, ये रीत की रिपोर्ट आ चुकी है। आप लोग ये कहना मत कि ये पुरानी है, यहाँ पे डेट है, डेट कहाँ पे है, ये देखिए इनके नेम के ऊपर डेट है। तो ये इनका सब कुछ बढ़ा हुआ है, जैसे कि पीसीबी देखिए बढ़ा हुआ है, ये ज़्यादा डार्क ब्लैक में है, और MCH भी बढ़ा हुआ है, और प्लेटलेट जो काउंट होता है ये देखिए ये कम हो गया है इनका प्लेटलेट काउंट। और इधर देखिए, और इनका ब्ली रूबिन भी बढ़ा हुआ है, ये देखिए डार्क ब्लैक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बढ़ा हुआ है। और SGPT भी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये देखिए SGPT जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो जब से मतलब इनका रिपोर्ट देखा है ना तो से मतलब कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो आज सुबह से बड़ी टेंशन थी और कल भी इनकी रिपोर्ट आ चुकी है और डॉक्टर ने इनको बोला है कि आप 15 दिन तक बेड रेस्ट करो, और तो देखिए क्या होता है। अभी देखिए क्या होता है, छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन आज वो गए हुए हैं। वो पहले से मुझे 2-3 दिन से ही वीकनेस उनको लग रही थी, मैंने कहा अपना ब्लड जांच करवा लो, देखो क्या है, आपकी आंखें भी पीली लग रही है, कहीं जॉन्डिस तो नहीं हो गया, तो वही हुआ और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आप समझ सकते हो कि आप किसी अनजान सिटी में अकेले, आप हस्बैंड और आपका बच्चा हो, कोई तीसरा ना हो, तो बहुत मुश्किल होता है संभालना। और रीत ही जॉब कर रहे हैं, अभी मुझे किसी की हेल्प भी नहीं है, और फिर उसके बाद उनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि आप रेस्ट करो और मेडिसिन चलेगी, तो 15 दिन का उन्होंने बेड रेस्ट बोल दिया है। तो मैं शायद इस बीच, मुझे ना मेरा दिमाग नहीं सही चल रहा है, तो इस बीच शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बना रखे हैं उसे मैं अपलोड कर दूंगी अगर मुझे टाइम मिला एडिटिंग करने का तो। और एक बात है कि मुझे ना हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं सोच रही थी कि कैसे कहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी, मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं ना बहुत जैसे रश्मि दी जो है उनका वीडियो देखती हूँ, वो हेल्पिंग नेचर है, वो सबकी हेल्प करती हैं, तो मैंने सोचा एक बार उनसे हेल्प मांग के देखती हूँ, हो सकता है वो भी मेरी हेल्प कर दे। उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की और आज वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर गया है उनका चैनल और अच्छे से चल रहा है। मुझे शर्म भी आ रही थी लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे ज़रूरत है इसकी, तो मैंने अपना सारा शर्म छोड़ के उनसे हेल्प मांग रही हूँ। काश मेरा ये वीडियो उन तक पहुँच जाता और वो मेरी हेल्प कर देती, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मुझे। और मैं जॉब कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम है, अभी मेरा बच्चा छोटा है और वो मुझे नहीं छोड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे बिना रह पाए, लेकिन वो रहता ही नहीं है,
और फिर जॉब भी मिलेगी तो 6-7 घंटे ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा, और उसे छोड़ के 6-7 घंटे बहुत मुश्किल भरा काम होता है। तो अभी मैं कोई जॉब भी नहीं मतलब कर सकती हूँ। आया तो था 1-2 जगह से ऑफर, लेकिन वही है 7-8 घंटे जॉब करनी ही पड़ेगी मुझे, तो मुझे अभी समझ में नहीं आया, तो मैंने अभी उसके लिए हाँ नहीं की है, बट देखूंगी। तो हो सके तो प्लीज़ रश्मि दी आप मेरी हेल्प कर देना छोटी सी, क्योंकि मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मुझे मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी मैं मेरा दिमाग कुछ सही नहीं है, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं।